अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटोरे दही बड़े, बहुत मज़े के बनते हैं। मूंग और माश की दाल से बनाऊंगी मैं। आप सिर्फ माश की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल भी डालूंगी। मैंने एक कप मूंग की दाल और एक कप माश की दाल ली थी, 5-6 हरी मिर्च ली हैं और अदरक का 1 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। बाकी जीरा और ये जो किशमिश है ये बताऊंगी आगे किस तरह यूज़ करनी है। सबसे पहले इन दालों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, सुबह मैंने इनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से बारीक पीस लिया। आप देख लो ये कितनी बारीक हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एक गाढ़ा सा बैटर सा बनेगा इसका, ठीक है। और बाकी इसके साथ बनेगा इसका एक चटोरा मसाला, ठीक है। चटोरे मसाले के लिए आपको चाहिए ज़ीरा, अजवाइन, पुदीना, लाल मिर्चें, ठीक है। हाँ ये देखें, ये रही लाल मिर्चें, आपको जाएगा इसके अंदर काली मिर्च, ठीक है। यह है चाट मसाला, यह है नमक और यह है काला नमक, ठीक है। और यह है कोयला जिसकी हम धुनी देंगे, ठीक है। और यह है किशमिश जिसकी मैं फिलिंग करूंगी, आप काजू की कर सकते हैं, बादाम की कर सकते हैं, अंजीर की से कर सकते हैं। यह है भुनावा ज़ीरा, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, दालों को पीस लूंगी हरी मिर्चों के साथ। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सारे इन्ग्रीडियंट आपके सामने जाएंगे। यह है नमक, 2 चुटकी जो है इसके अंदर सोडा, और यह है ज़ीरा, ठीक है। ये नॉर्मल ज़ीरा है, भुनावा नहीं है। इसको अच्छे से आपको फेंटना है, लेकिन एक ही सिमट में फेंटना है, ठीक है। एक ही दफ़ा जैसे आप गोल गोल इसको फेंटते जाएंगे ना, ये देखें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है, इस तरीके से नहीं, बस फेंटते जाना है, फेंटते जाना है अच्छे तरीके से। जब आप इसको फेंट देंगे तो इसके अंदर जो है एक हवा सी भर जाएगी। लोग पूछते हैं अक्सर कि जैसे आपके दही बड़े जो हैं फूलते क्यों नहीं हैं, एकदम ठस और चिड्डे चिड्डे से क्यों जाते हैं, तो इसलिए हो जाते हैं कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से फेंटते नहीं हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छे तरीके से मसल्स पावर दिखाएं और इसको अच्छे से फेंटते जाएं, फेंटते जाएं। मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंटा, जितनी अच्छे से फेंटेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी जो है किशमिश से इसकी फिलिंग करूँगी और फ्राई करते हुए आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बनाना है। अच्छा, जितनी देर ये रेस्ट कर रहा है हमारा बैटर, हम चटोरा मसाला बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन के अंदर डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। और ज़ीरा डालने के बाद मैं शामिल करूंगी इसमें अजवाइन, अजवाइन डाल के इसको अच्छे से ब्राउन करूंगी। अच्छा, हल्का हल्का ब्राउन नहीं करना है, अच्छा सा ज़रा डार्क ब्राउन सा कलर आ जाए, इसको अच्छे तरीके से ना जो है ना हमें रोस्ट करना है। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको रोस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्चें, ठीक है। और ये जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, काली मिर्चें। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, परेशान मत होइएगा, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लेम ऑफ हो चुका है, मैं सारे जो आपको सूखे मसाले दिखाए थे वो डालूंगी और इसको अच्छे से इसी गर्म पैन के अंदर हल्का सा रोस्ट करूंगी। फ्लेम ऑफ है, याद रहे आपको, मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से करने के बाद आप इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके या तो अपने चॉपिंग बोर्ड पे रोलिंग पिन से कर लें, या फिर आप इसको जो है हवन दस्ते से कर लें। अच्छा, ये देखें आपको नज़र आ रही है एक किशमिश, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये बैटर डालें और चमचे की मदद से इस तरीके से डाल दें। ये देखें आपकी किशमिश जो है इस बैटर के अंदर कोट हो चुकी है आराम से। अच्छा, अब एक तरीका है हाथ में लेने का, हाथ में लेकर इस तरीके से एक छोटा सा आप ये देखें बॉल सा बना के डाल दें। ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, अभी ये फूल के बड़े हो जाएंगे और जब ये पानी में जाएंगे तो ये और भी बड़े हो जाएंगे। इसको अच्छे से मैं जल्दी जल्दी जो है चमचे से या हाथ की मदद से जो है, ये देखें इसके अंदर किशमिश डाली हुई है मैंने। अगर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट की इसमें फिलिंग कर सकते हैं। जब मुँह में ये आता है ड्राई फ्रूट, इतना मज़े का कोई एक पंच लगता है मुँह में, बहुत मज़ेदार लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मैं इनको सबको जो है फ्राई, देखा आपने फूल के कितने बड़े बड़े से हो गए, कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ गया है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला था, ये अपना ही दाल का अपना कलर है, ठीक है। इसको देखें कितना ज़बरदस्त ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें ये कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। इसको पेपर पर निकालेंगे, पेपर टॉवल पर, और अच्छे से इसका, ताकि ये जो है सारा ऑयल एक्सेस ना ड्राई हो जाए, निकल जाए। फिर जो है हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके फिर इसको पानी में डाला जाएगा। मैं इस वक्त अपना दूसरा बैच भी इसी तरह जो है, ये देखें आपको जगह जगह नज़र आ रही है किशमिश इतनी आराम से, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, ये देखें हल्का हल्का सा ऐसे कोट करें और ये देखें बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी मैं यकीन कर, ये देखें मैं आपको एक और तरीका सिखा देती हूँ,
कि जिनको फ्लैट पसंद है वो फ्लैट के लिए क्या करें कि एक पैन लें, ठीक है, उसके अंदर एक चम्मच आप इस तरीके से डालें। जब आप देखें इसकी साइड जो है बिल्कुल ऐसी ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो रही है या बिल्कुल आपको लगे बाइंड हो रही है, आप इसी के ऊपर आधा टीस्पून और डाल दें, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। और जिनको प्रॉब्लम होती है कि हाथ से जो मलमल के कपड़े पे रख के बनाए जाते हैं मुश्किल होती है, तो ये भी एक आसान तरीका है, या तो गोल बना लें या तो फ्लैटन करके इस तरीके से बना लें हल्का सा। बस आप समझें आपने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के रखा हुआ है और दूसरी आपकी तरफ कढ़ाई में ऑयल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ये देखिए मैं किस तरीके से साइडों में इसके हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, ठीक है। अब इसको आहिस्ता से मैं ऐसे उठाऊँगी, ठीक है। ये इस वक्त आपको दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो ये बहुत ईजी है। ये राउंड वाला भी बना सकते हैं और इस तरीके से ये फ्लैटन करके भी बना सकते हैं। अब इसको इसी तरीके से उठाएं, ठीक है, आराम से, और दूसरी तरफ जो हमारी कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल इतना तेज़ गर्म है उसमें आप इसको डाल दें, ठीक है। अब ये देखें ये बज़ाहिर तो दिखने में बहुत छोटे से लग रहे हैं लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ना ये बिखरेंगे ना ये टूटेंगे और आराम से बन जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ रही है, ये देखें। अब मैं इसी तरीके से क्या करूँगी, सारे सारे जो हैं बहुत सारे जल्दी जल्दी बना लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये देखें इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी अब, ठीक है, और एक के ऊपर एक डालती जाऊँगी ताकि कुछ आपको फ्लैट सिखा दूँ और कुछ मैं आपको ऐसे बॉल्स की उसमें दिखा दूँ। आप यकीन करें जब मैंने ये बनाए थे तो ये इतने बड़े बड़े हो गए थे फूल के। ये देखें, ये देखें कलर देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया हुआ है इसके ऊपर। ये बज़ाहिर छोटे लग रहे हैं लेकिन जब ये जाएंगे पानी में, फिर बता रही हूँ ये डबल साइज़ के हो जाएंगे, तो आप इसको इतना ही छोटा बनाइएगा, ठीक है। ये देखें इसको मैं अच्छे से ठंडा करूँगी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊँ, ये अभी गर्म है लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी ना तो ये स्पंज के तरीके से नहीं होगा, ये बिल्कुल चिपक जाएगा। ये देख रहे हैं आप, हमें ऐसा नहीं करना, ये गर्म है, जब तक कि ये ठंडे नहीं हो जाएं हम इसको पानी में नहीं डालेंगे। जैसे ये ठंडे होके पानी में जाएंगे ना तब ये आराम से स्पंजी बॉल की तरीके से होंगे। ये वही मसाला है चटोरा मसाला, इसको मैंने आवन दस्ते में कूट लिया था, ठीक है। और ये है ज़ीरा, अब इसका काम करेंगे। और अब ये है कोयला, इसको हम जलाने के लिए रख देंगे चूल्हे पर, ठीक है। ये देखें पानी नीम गर्म था, अब मैं इसके अंदर ये जो है ये देखें इस तरीके से बॉल्स डाल दूंगी। आपको ऊपर से हल्की हल्की किशमिश भी नज़र आ रही होगी, ये देखें इस तरीके से। कुछ मैं बचा लूंगी अभी के लिए नहीं, बाद के लिए, आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इस तरीके से इसको बना के जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं इस तरीके से इसको पानी में भिगो दूंगी, ठीक है। ये देखें, और ये जो बाकी ठंडे हो चुके हैं इसको जब आपको दोबारा बनाना हो तो आप एक नीम गर्म पानी लीजिएगा, उसमें इसको डाल दीजिएगा, 15-20 मिनट के अंदर ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये रमज़ान के लिए एक बड़ी अच्छी टिप है आपके लिए। अब एक ही देखें इस तरीके से मैं रख रही हूँ प्याले के अंदर कोयला, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा घी डाल के इसको ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसके अंदर स्मोक भर जाए, ठीक है। इसका मैं ज़रा सा ये है ना ये सुराख भी ज़रा बंद कर दूँ। अब ये देखें इसमें कितना अच्छा भर चुका है। अब इसको मैंने निकाल दिया बाहर, अब मैं इसमें डालूंगी ये नीम गर्म पानी और उसको फिर ढक दूंगी। अब इस पानी के अंदर कोयले की जो एक मखसूस खुशबू है वो भर जाएगी। इसको 15 से 20 मिनट इसी तरह ढके रहने दें, पानी के अंदर स्मोक आ चुका है अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको निकालूंगी, ये जो है आपका स्मोक वाटर रेडी हो चुका है। अब इसको जो है एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा आप इसको दोबारा पानी में भिगोएंगे, और अब की बार आप इसको कम से कम भी भिगोएंगे एक घंटे के लिए, ताकि जो एक कोयले की खुशबू है ये इन बड़ों के अंदर आ जाए। एक्सेस ऑयल भी देखें सारा निकल गया, और ये जो मैंने भुनावा ज़ीरा रखा था अब मैं इसमें डालूंगी और इसको भिगो दूंगी कम से कम एक घंटे के लिए, जब तक कि ये वाइट ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से एक प्लेट रख दें इसके ऊपर, और इसके ऊपर कोई वज़न रख दें, मैंने ये हवन दस्ते का ही रख दिया था, ठीक है। ये देखें, अच्छा दूसरी साइड पे मैंने बड़े वाले भी भिगो दिए थे, ये देखें बड़े वाले फूल के साइज़ में कितने बड़े हो गए, कितने सॉफ्ट हैं, कितने कोई स्पंजी बने, ये बड़े वाले भी देखें इस तरीके से मैंने बनाए थे, ठीक है। ये देखें मेरी बेटी को ये वाले पसंद है तो मैंने उसके लिए अलग से ये करे थे, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना है, ये देखें ये कितने कोई सॉफ्ट, अब मैं इसको देखें प्रेस करूँगी ना दबाऊँगी तो ये कितने स्पंजी हैं, अब ये नहीं चिपक रहे, अब ये डन है ज़बरदस्त से। अब आप इसमें चीनी डालेंगे और इस गाढ़ी गाढ़ी सी दही के अंदर चीनी मिला के रख दीजिएगा
फ़ौरन हाथ के हाथ नहीं मिलाएगा, डाल के रख देगा और फिर थोड़ी देर बाद मिलाएगा, तो फिर चीनी ये जो है ना पतला नहीं होगा, दही आपका गाढ़ा ही रहेगा। ये बनाई थी मैंने ग्रीन चटनी, आपको आती होगी। और यह है चटोरा मसाला, और यह है जनाब हमारी वही सुपर हिट चटोरी चटनी। देखिए मैंने इसको पानी मिला के पतला कर लिया है, देखा मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, मैंने चटनी को ये देखा कितना गाढ़ा था, अब मैंने इसको पानी मिला के पतला किया है। अब आपके लिए बनेगा एक ज़बरदस्त सा प्लेटर, ये छोटा प्लेटर बना रही हूँ मैं अपनी छोटू के लिए। ये देखें आप इस तरीके से डालें, और इसके ऊपर आप डालें ये वाले ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी दही। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से बनाऊँ। बहुत मज़े की रमज़ान स्पेशल डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। आप सबकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत शुक्रिया, सब रेसिपीज़ अपनी बना के शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, पिक्स शेयर किए हैं। मैं आने वाली जो है अपनी वीडियोज़ में उन तमाम लोगों की जो है पिक्स शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ बनाई थी, ठीक है, डिशेज़ बनाई थी। ये देखें अब ये एक और प्लेटर तैयार हो रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। ये मैंने अकेले नहीं खाए थे, ये मैंने नेबर्स में भी दिए थे अपने नेबर में, हर चीज़ शेयर करके खाया करें। ये देखिए मैंने चटनी डाल दी है इसके ऊपर मज़ेदार सी, और यही चटोरी चटनी डाली है, बहुत लजीज बने थे। और मैंने इसके ऊपर डाल देना है, अब करीब से दिखाऊंगी एक दफ़ा, और ये देख लें आप, ठीक है। कुछ भी समझना है पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहाँ पे सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ये आप अपनी मर्जी से वो डालें, अनार डालें, आपको जो फ्रूट अच्छा लगता है आप इस पर डाल सकते हैं। बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर बताइएगा आपको ये एक रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ अंदर से, ये देखें आप इतने स्पंजी इतने सॉफ्ट बने थे, और अंदर तक से वाइट इतने लजीज थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बने थे। अगली रेसिपी तक के लिए सब आप फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।